नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोकनाथ पांडे फिर आया हूं एक कविता के सार लेकर। इस बार आपके लिए कुंडलियां लाया हूं जो कि गिरधर के द्वारा रचित है। रीतिकाल के कवियों में गिरधर कविराय का नाम लोकप्रिय कवियों में आता है। अपनी कुंडलियों के कारण ही ये प्रसिद्ध हुए। इन्होंने जीवन के व्यवहारिक पक्ष को अपनी कुंडलियां बड़ी सरलता और काव्यात्मकता से उभारा है। साधारण विषयों को नीति परक बना दिया है। उदाहरण के तौर पर कंबल, लाठी जैसी साधारण वस्तुओं को तो अपनी रचनाओं का विषय बनाया ही है, साथ ही गंभीर विषयों को भी सहजता से प्रस्तुत किया है। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियां संकलित हैं। इनकी रचनाएं केवल कुंडली छंद में बद्ध हैं, इसलिए लोकप्रिय भी बहुत हुई हैं। तो आइए कुंडलियों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गिरधर कविराय रीतिकाल के कवि हैं। उनके समय में लोग पैदल यात्रा करते थे। उस समय लाठी का बड़ा ही महत्व होता था। वो कहते हैं कि लाठी का प्रयोग हम हथियार के रूप में भी कर सकते हैं और जहां कहीं भी नदी, नली, नाला, नदी वगैरह आया उस पर भी हम लोग फान के जा सकते हैं। कुत्तों को भी मार के भगाया जा सकता है और चोर लंपट भी अगर रास्ते में मिले तो उन पर भी जमाया जा सकता है। वह यह भी कहते हैं कि काला कंबल हमें हमेशा पास में रखना चाहिए क्योंकि बड़ा सस्ता होता है परंतु बड़ा उपयोगी है। जब चाहे बिछा लो, जब चाहे जो चीज चाहे आप बांध लो। वो यह भी कहते हैं कि गुणों का सर्वत्र महत्व है, रंग रूप का नहीं। गुणी सदैव पूजा जाता है, इसलिए गुणवान बनने की आवश्यकता है। अधिकतर मित्र जो बनते हैं वो धन के कारण बनते हैं। निस्वार्थ भाव से शायद ही कोई प्रेम करता है। यहां पर प्रेम की परिभाषा भी वो समझाते हैं। वो यह भी कहते हैं कि हमें सबल अर्थात जो समर्थ हैं, सबल हैं, मजबूत हैं, उन्हीं का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा मुंह की खानी पड़ती है। दुर्बल का आश्रय अक्सर धोखा दे जाता है। अधिक धन होने पर उसको परोपकार में लगाना चाहिए। जैसे नाव में अगर पानी बढ़ जाए तो उसे बाहर फेंक देना चाहिए यदि बचना है तो। राजा के दरबार में जाकर ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां से उठा दिए जाएं। और तो और जोर जोर से हंसना भी नहीं चाहिए और बिना पूछे किसी बात को नहीं कहना चाहिए तथा बहुत आतुरता नहीं दिखानी चाहिए। ऐसा करने से राजा प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये रही कुछ नीति परक कुंडलियां, लिखित हैं गिरधर राय के द्वारा। ऐसे ही कुछ कवियों को आपके समक्ष लाते जाएंगे। इजाजत दीजिए त्रिलोकनाथ को। बने रहिए, डटे रहिए त्रिलोकनाथ के साथ। धन्यवाद।